खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हमारे नुमाइंदे सरदार मोहम्मद सदीक नूनारी की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद में पंजाब असेंबली के हलका पीपी 266 में कल 21 अप्रैल को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 138 पोलिंग स्टेशनों के अमले में सामान की तकसीम का अमल जारी है। सादकाबाद में पंजाब असेंबली के हलका पीपी 266 में कल 21 अप्रैल को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 138 पोलिंग स्टेशनों के अमले में सामान की तकसीम का अमल जारी है। तर्जुमाने पुलिस के मुताबिक हलका पीपी 266 इलेक्शन डे पर 1300 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। थाना कोट सबजल और थाना माचका के 4 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं। हलका पीपी 266 में तहरीक जवानान पाकिस्तान उम्मीदवार इसरार हुसैन गोंदल की वफात के बाद इलेक्शन मुलतवी हो गए थे। जिमनी इलेक्शन के इस दंगल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सफदर खान लगारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज अली खान चांग के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है।